हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी. सॉरी, गुड इवनिंग शायद गलत बोल दिया क्योंकि रात के 1:30 बजने वाले हैं. हाँ जी, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी. तो देखिए, आपका वीकली टेस्ट आज संडे को जो कंप्लीट हुआ है ऑफलाइन वालों का, तो इसका सोल्यूशन मैंने रीजनिंग में बना दिया. अब मैं मैथ का सोल्यूशन बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट जल्दी से अपना आंसर मैच करा लें और कहाँ पे क्या गलती है उसको फिगर आउट करें. ठीक है, तो जैसे आप लगातार टेस्ट देते जा रहे हैं उस हिसाब से आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट को नोटिस कर पा रहे होंगे. तो बस ऐसे ही आप लोग पढ़ाई करते रहिए और टेस्ट देते रहिए, आपको डेफिनेटली इस चीज़ बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. तो देखिए, रीजनिंग डिस्कस हो गया है, अब मैं आपको मैथ का रीजन कराता हूँ जी. तो पहला क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे -4 और 5 ये सब है, इसको सॉल्व करना है. तो देखिए, माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो पहली बार तो आंसर प्लस हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. ये 4/5, ये है 3/7, और ये है आपका 15/16, और ये है आपका 14/9. ठीक है, सबसे पहले 4 से 16 काटा, 4 आ रहा है. ठीक है, 7 से 14 काटा, 2 आ रहा है. ठीक है, इसके बाद 3 से 9 काटा, कितना आ रहा है, 3, और 5 से 15 काटा, कितना आ रहा है, 3, और 3 से 3 कट गया, और 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना बन रहा है, 1/2 आपका आंसर बन रहा है. ठीक है, आंसर कितना बन रहा है, 1/2 आपका आंसर बन. क्लियर? तो सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपको इसको सिंपलीफाई करके आंसर देना था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, 4/7 × 14/3. जब भी डिवाइड होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं और उसके आगे वाले को पलट सकते हैं. तो 3/2 आ रहा है, तो 3 से 3 गया कट, 2 से 4 कटा, 2 आ रहा है, और 7 से 14 कटा, 2 आ रहा है. तो 2 × 2 कितना हो रहा है, 4 आपका. सी ऑप्शन करेक्ट है जी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ब्लैंक, मतलब ब्लैंक जगह क्या है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/7 का बताना है जिसका न्यूमरेटर 45 हो. ठीक है, तो भाई न्यूमरेटर 45 है तो डिनोमिनेटर क्या होगा. तो देखो, 5 से 45 कैसे बन रहा है, 9 मल्टीप्लाई करके. तो 7 में भी आप 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 63. तो जो भी 45/63 है वो इसका करेक्ट आंसर है. तो 45/63 ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया जी. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपलीफाई का क्वेश्चन है. तो ये हो जाएगा 3/7 × 28/15, अब डिवाइड किया क्या हो गया, मल्टीप्लाई. तो 5/14, देखो 14 से काटा कितना आ रहा है, 2. 5 से काटा कितना आ रहा है, 3. 3 से 3 काटा, आंसर कितना बन रहा है, 2/7. ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, 2/7 बी ऑप्शन आपका करेक्ट. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 0/2/3 क्या होगा. ठीक है, 0/2/3, देखो 0 में किसी भी चीज का डिवाइड करते हो आंसर 0 आता है, तो सीधे आपको आंसर ए बोल देना था. ठीक है, कह रहा है व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 9801. तो 9801 का आंसर नहीं पूछा है, कह रहा है पॉसिबल यू डिजिट क्या होगा. तो देखो पहला डिजिट 1 आ रहा है, तो 1 देखो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, और 9 के स्क्वायर में भी आपका 81, तो 1 आता है. ठीक है, तो पॉसिबल वन डिजिट आपका 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है. ठीक है, तो ये तो आपका बोनस का नंबर है क्योंकि 1 और 9 इसमें दोनों सही हो सकते हैं. What could be the possible one digit of the square root of 1 and 9? ठीक है, दोनों हो सकते हैं जी. ठीक है, वैसे ये 99 का स्क्वायर है, तो आपका आंसर 99 के हिसाब से 9 हो जाएगा, लेकिन दोनों हो सकते हैं. ठीक है, चलिए फिर अगर इसमें मेरे को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना है तो फिर मैं 9 करूंगा. मोस्ट अप्रोप्रिएट, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. लेकिन अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि एक ऑप्शन देता कि 1 और 9, तो मेरे हिसाब से फिर आपको इन दोनों में करने में गलत हो जाएगा. तो आपको ये करना है क्योंकि ये लिए पूछा है कि पॉसिबल वन डिजिट क्या हो सकता है. ठीक है, पॉसिबल वन डिजिट क्या होता है, पॉसिबल वर्ड ना यूज करने पे आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे. तो इसका स्क्वायर रूट 99 आ रहा है, तो पहला डिजिट 9 है, 9 आंसर है. पॉसिबल वन डिजिट मतलब क्या है कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है. तो इन केस मैं कह रहा हूं अगर आपका ऑप्शन होता 1 और 9, तो आप इसको टिक कर सकते थे कि 1 और 9. ठीक है, 1 होगा या 9 होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं ऑप्शन है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका 9 ही होगा. ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट कुड द पॉसिबल, हाँ देखिए फिर से कह रहा है पॉसिबल वन डिजिट स्क्वायर रूट ऑफ दिस. तो देखो यहाँ यू डिजिट 5 है, तो 5 देखिए 5 के स्क्वायर में ही आता है, 5 के स्क्वायर में यू डिजिट 5 आता है. तो इसका पॉसिबल पॉसिबल वन डिजिट केवल एक ही होगा, दैट इज 5. यहाँ सॉर्टेड है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं.
अब देखिए यहाँ कह रहा है इसका यूनिट क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई मत करने लग जाना, ठीक है, तो दूसरा जीवन लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो ये 4 है, 7 है, तो 4 7 कितना होता है 28, 28 का यूनिट डिजिट क्या है 8। ये 9 है, ये 3 है, 9 3 कितना होता है 27, और 27 का यूनिट डिजिट क्या है 7, 8 7 कितना है 56, और 56 का यूनिट डिजिट क्या है 6। तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, 6 सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको उसको जोड़ देना है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/3। तो देखो 2 की पावर क्या हो जाएगा, तो ये एलसीएम इसका 3 हो गया, 2 प्लस 1 आपका 3 होता है, तो 2 की पावर 3/3 कट के हो गया 1, तो 2 की पावर 1 आपका आंसर आ जाएगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ कुछ नहीं है, पावर की पावर है, पावर की पावर आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 4/5, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 3 की पावर 4/5 सी ऑप्शन करेक्ट है। 9 की पावर 3/2 सॉल्व करना है, तो देखो 9 को लिख दिया 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसकी पावर है 3/2, ये हो जाएगा 3 की पावर 2 × 3/2, 2/2 कट गया, तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है 27। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, देखो जब भी परसेंटेज बनाते हैं 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 0.09 टू क्या कर दिया 100, अभी परसेंटेज बन गया। अब 100 में 2 जीरो हैं और यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेस हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 9.0%, 9.0 मतलब 9 ही होगा, तो 9% आपका आंसर है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी। चलिए भाई इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, उसका करना है 1 पावर 1/2, तो पावर 1/2 का वैसे मतलब स्क्वायर रूट भी होता है, तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, ठीक है। अब 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा 35, और 35 प्लस 1 कितना 36, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 36 जो आपका है 6 का स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 3/1 को, ठीक है, 3:1 को कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो इन द परसेंटेज ईच पार्ट, ठीक है। तो जैसे 3:1, तो ये देखिए 3 जो पार्ट आपका है ये कितने में है, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, तो 1 3/4 है, फिर एक क्या है 1/3 प्लस 1 कितना 4, 1 1/4 है, परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो दोनों में 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से कटा 25, तो 1 आ रहा है 75%, 4 से कटा 25, 1 आ रहा है 25%, तो 1 75% आ रहा है, 1 कितना आ रहा है 25% आ रहा है, तो 75 और 25% आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कह रहा आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अस क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो 15 गर्ल्स हैं टोटल 25 चिल्ड्रन में, तो परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, 5 से 3 5 से 5 5 से 20, तो 23 जा कितना हो गया 60% आपका आंसर हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो 8 3 जा 24, और 24 प्लस 1 कितना 25, तो ये हो गया 25/8 × 3, तो × 3 करना है तो क्या करना है मल्टीप्लाई कर दिया, तो 75/8 आपका आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25% परसेंट हटाना है डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 50% परसेंट हटाना डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 72, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 0 से 0 कट गया, 5 से कटा कितना आ रहा है 2, ठीक है, 5 से कटा 5, 5 से कटा 20, 5 से कटा 4, 2 से कटा कितना आ रहा है 36, 4 से कटा कितना आ रहा है 9, तो 9 आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ जी, ये एक एलसीएम का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 बेल है 2 4 6 8 10 12 सेकंड में बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे, तो पहले आपको जो भी नंबर दे रहा है इसका एलसीएम लेना है, तो हमको ये चेक करना है कि एक साथ कितने टाइम में बजेंगे, तो ये जो भी है ये 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड में बज रहा है, इसका आपको पहले एलसीएम लेना है। देखो 2 से कटा, तो 1 2 3 4 5 6,
फिर 2 से कटा तो 1 1 3 2 5 3, फिर 2 से कटा तो क्या हो जाएगा 1 1 3 1 5 3, फिर 3 से कटा क्या हो जाएगा 1 1 1 1 5 1, फिर 5 से कटा 1 1 1 1 1 1। सबसे पहले 5 2 जा कितना हो गया 10, ठीक है, इनका काम पहले फिनिश कर दिया। 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12 × 10 कितना हो गया 120 सेकेंड। तो 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट। तो 2 मिनट में सारी बेलें एक साथ बजती हैं। 2 मिनट में, 2 मिनट होने पे सारी बेलें एक साथ बजती हैं, मतलब 1 2 सेकेंड बजती, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, और जब 2 मिनट होता है तो एक साथ बज जाती है सारी, ठीक है, उस टाइम पे। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, 2 मिनट में एक साथ बजती है, तो 30 में 2 का डिवाइड कर दो, 30 में 2 का डिवाइड कर दो, तो 15 आ गया। तो 15 टाइम्स ऐसा आएगा 30 मिनट में जब ये सारी बेलें एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो पहले क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है, फिर जितने टाइम में पूछे उसको आंसर कर देना है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि आप ये बताइए कि कितने टाइम में ये सारी बेल्स एक साथ बजेंगे, तब आपको आंसर करना था 2 मिनट। अब क्वेश्चन पूछा है कि 30 मिनट में कितने टाइम्स में एक साथ बजेंगे ऑल टुगेदर, ठीक है, अरे भाई टाइपिस्ट गलती कर दिया, तो ऑल टुगेदर नहीं है, ऑल टुगेदर, ठीक है, ऑल टुगेदर। तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, 30 में 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कितने टर्म्स हैं पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो an का फॉर्मूला लगाइए, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 × d। तो an की वैल्यू हो गई 140, फर्स्ट टर्म कितना है 20, n हमको कैलकुलेट करना है और d कितना है 5, ठीक है। तो 140 इक्वल टू 20 प्लस 5 × n, 5n माइनस 5। तो आपको क्या करना है, 20 जो प्लस का यहां ले आओ, माइनस माइनस 5 यहां ले आओ, प्लस 5 इक्वल टू 5। तो 145 माइनस 20 इक्वल टू 5। तो 145 में 20 गया तो 125 इक्वल टू 5। 5 से कट किया तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 25 आ रही है, 25। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा जी। टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, 25। अब कह रहा है भाई मीन इसका गिवन दिया है, मीन। तो देखो मीन मतलब वही होता है जो आपका एवरेज होता है, ठीक है। तो इसका मीन कितना है 10, मतलब इसका एवरेज 10 है, तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, इसका एवरेज 10 है। तो 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस एक्स प्लस 9, ठीक है, कितने नंबर है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, किसके बराबर 10, तो 10 याद लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ जोड़ो तो 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 12 प्लस 13 कितना हो गया 25, और 25 प्लस 9 कितना हो गया 34। तो 34 प्लस एक्स इक्वल टू, अब 5 जो डिवाइड में यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई, 10 टू 5 हो गया, तो 34 प्लस एक्स इक्वल टू हो गया आपका 50। तो एक्स हो जाएगा 50 माइनस 34, तो आ जाएगा आपका 16 आंसर। तो 16 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 16 आपका ए ऑप्शन, डी ऑप्शन सॉरी, करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एलसीएम का है, कह रहा है एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 936 है, एससीएफ 4 है, एक नंबर ये दूसरा नंबर बताइए। तो मैंने क्लास में आपको बताया था भाई कि जब भी दो नंबर्स होंगे उनका मल्टीप्लाई उनके एलसीएम और उनके एससीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो पहला नंबर 72 है, दूसरा नंबर हमको नहीं पता, एलसीएम कितना है 936, एससीएफ कितना है 4, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, तो 936 इंटू 4 डिवाइड बाई 72। तो 4 से काटा कितना आ रहा है, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। अब 18 की टेबल में 5 टाइम में आता है 90, 5 हो गया। अब अच्छा 3 और 3 6 कितना होता है 36, तो 2 टाइम में 36, तो 52 आपका आंसर हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है जी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भाई एलसीएम दो नंबर का 48 गिवन दिया है, रेशियो ये है उनका सम बताना है। मैंने क्लास में आपको ट्रिक बताई है, जब भी एलसीएम दे और रेशियो दे नंबर निकालना है, कुछ नहीं करना है, रेशियो को एलसीएम से डिवाइड करते जाओ नंबर आता जाएगा। पहला नंबर कितना हो गया 24, भाई 48 में 2 डिवाइड कर दिया 24। दूसरा नंबर 48 में 3 डिवाइड कर दो कितना आ रहा है 16, दोनों नंबर आ गए। अब दोनों का सम बताना है तो ए प्लस बी को जोड़ दो, तो 16 प्लस 24 कितना हो गया 40 आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया जी। बस दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, कह रहा है फाइंड द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, एससीएफ क्या होगा इन दोनों का। तो एससीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन, जो दोनों में कॉमन है वो एससीएफ होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 से डिवाइड किया दोनों, 4 9 जा हो जाएगा 36,
और 4 से 2 टाइम में 8, 1 टाइम में 21। तो 4 से 2 देखो दोनों कॉमन है, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 से देखो 3 भी कट रहा है और 7, ये 21 भी कट रहा है, 7, 3 से दोनों कॉमन है। अब देखो कोई कॉमन नहीं आएगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये SCF हो जाएगा। तो 4 3 कितना हो गया 12, तो 12 देखिए दोनों में कॉमन था, अब कोई कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। बस दो क्वेश्चन और आपके बाकी। अब देखिए ये आपका कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी है, इनकेस कोई भी आपका स्टूडेंट कोई अभी आपका ज्वाइनिंग करना चाह रहा है नए एग्जाम को लेके, जिसमें कि आपका CGL है या CHSL है या CSL है, कोई भी आपका दोस्त या कोई भी आपका रिलेटिव ज्वाइन करना चाह रहा है, तो आपने अगर नॉर्थ ईस्ट फिजिक्स में पढ़ाई की है, आपका बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर को दे सकते हैं ताकि वो अपना क्वेरी कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स होगा तो इसमें आपका APSSB के सारे एग्जाम कवर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जो स्टूडेंट APSSB की तैयारी कर रहे हैं, CSAT में प्रॉब्लम है तो CSAT के लिए भी ये कोर्स है, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्स है, ऑफलाइन आपका ईटानगर नाहरलगुन में है और ऑनलाइन जो कोर्स है वो आपका पैन अरुणाचल कहीं से स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है। तो सारे जो मैथ और रीजनिंग में है वो मेरी गाइडेंस में ही कोर्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इन केस कोई भी अगर स्टूडेंट का कोई क्यूरी है तो आप उनको गाइड कर सकते हैं, या किसी स्टूडेंट का कोई क्यूरी है तो डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को देख के आप एकदम खतरनाक वाला फील कर रहे होंगे कि इसमें सब लार्जेस्ट कैसे ढूंढे हैं, ठीक है। तो मैंने क्लास में ट्रिक वगैरह बताई है, लेकिन मैं वो ट्रिक यहाँ पे नहीं अप्लाई करूंगा, ठीक है। आप ट्रिक से कर रहे होंगे, आपको बहुत लेंदी जा रहा होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे छोटा नंबर ही 7/8 है, फिर ये 16, 40, 80 सब बड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, 16 से अगर 80 में को बनाना है तो मैं क्या करना चाहिए भाई? 16 में 2 से मैं डिवाइड करूं तो 8 आ रहा है, और 13 में 2 से डिवाइड करूं मैं क्या आ रहा है, 6.5। भाई 6 का डबल कितना होता है 12, और बचा 1 तो 0.5 का डबल आपका होता है 1, ठीक है। भाई 13 में 2 से डिवाइड करो, इसको शॉर्ट में समझो, शॉर्ट में 13 में 2 से कैसे डिवाइड करें शॉर्ट में समझो। 13 में 1 माइनस करो कितना आ रहा है 6, सॉरी 13 1 माइनस करो कितना आ रहा है 12, और 12/2 कितना आ रहा है 6, फिर अपनी तरफ से 0.5 लगा दो। ये शॉर्ट तरीका है डिवाइड करने का। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि 8 8 नीचे मैच कर गया, अब ये 7 है ये 6.5 है, तो ये तो पता चल गया कि 7/8 इससे बड़ा है, हमको लार्जेस्ट बताना है, तो ये तो कैंसिल कर दो, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, तो देखो यहां पे 40 है, 40 यहां पे 8 है, तो 40 से 8 कैसे बनाऊंगा मैं? मैंने 4 से डिवाइड किया, सॉरी इसको मैंने 40 से मेरे को 8 बनाना है ना, मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 5 से डिवाइड करने पे 8 आ रहा है, अब मेरे को इसको 5 से डिवाइड करना है। तो देखो 31 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है भाई, 5 से 30 होता है 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 आएगा लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं 6 पॉइंट समथिंग आएगा। यहां ऊपर 7 है तो 7 तो 6 से बड़ा है, तो देखो अभी भी आपका 7/8 बड़ा है, ऐसे यहां देखता हूं। तो ये 8 है, ये 80 है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 आ गया, इसको 10 से डिवाइड करो तो 1 पॉइंट को डेसिमल लगा दो 6.3 आ रहा है, अभी भी 6.3 से बड़ा है मेरा 7। भाई नीचे सब सेम हो रहा है ना, 8 8 हो गए, तो ऊपर वाले से कंपेयर करोगे तो ये 6.5 आ रहा है, ये 6.2 आ रहा है, ये 6.3 आ रहा है, अभी मेरा 7 बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट क्या हो गया 7/8, ठीक है। आपको अगर सर आपने क्लास में कुछ और ट्रिक बताई थी वो अप्लाई नहीं कर रहे, देखो डियर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है। एक और जोड़ लो APSSB एग्जाम, ठीक है। तो जब भी आप MCQ प्रैक्टिस करें तो जो भी थोड़ी क्लास में जो सिखाया वही अप्लाई करेंगे, तो फिर टेस्ट क्यों करा रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया ज्ञान दूंगा आपको। तो जिन्होंने टेस्ट किया, जिन्होंने सोल्यूशन देखा, उनको नया ज्ञान मिल गया कि हाँ भाई ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच सीखने को मिलेगा, इसीलिए तो मैं आपको टेस्ट के लिए एम्फसाइज करता हूँ, है ना। तो कई लोग बाबू लोग देते हैं नहीं है, ठीक है, लव में लगे हैं, वार में लगे हैं, और मैं आपको तैयार कर रहा हूँ APSSB के लिए। चलिए, तो 2 से डिवाइड किया कितना आ रहा है, तो 4, यहाँ पे बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो डिवाइड करने पे आपका स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं पहले पेयरिंग करता हूँ, तो 2 से डिवाइड किया तो 4, फिर कितना 7, फिर 0, 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया तो आ रहा है 2, 3, फिर बचा 1 और 0 तो आपका 10, तो 5, 2, फिर 2 से डिवाइड किया तो 1, 1, 15 है तो 7, फिर 6, फिर 2 से डिवाइड किया तो 5, 17 है तो 8, और फिर आपका 16 है तो 8, 2 से डिवाइड किया तो 2, 9, 4, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 1, 4, 7, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 7 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12,
थ्री से डिवाइड किया कितना आ रहा है, फोर टाइम में 12, 27, तो 9 टाइम में 27, फिर 7 से डिवाइड किया 7, 7 डिवाइड किया 1, ठीक है। अब परफेक्ट का मतलब क्या है, पेयरिंग करो, तो देखो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये क्लास मैंने क्वेश्चन कराया कि क्या डिवाइड करें, क्या मल्टीप्लाई करें, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही आंसर हो जाता है। तो आंसर क्या हो गया, 3, आंसर क्या हो गया, 3, ये 3 से डिवाइड करने पे आपका जो बाकी बच रहा है पेयर बन रहा है। तो ये सारे आपके देखिए क्वेश्चन डिस्कस हो गए। तो देखिए इसी टाइप से आप टेस्ट देते रहिए, इसी टाइप से, और मैं वही बात बता रहा हूँ अपना पूरे एक्सपीरियंस के साथ, जो मैं पूरा एक्सपीरियंस अभी तक इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाने के बाद, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने मैंने बैचेस लिए हैं, कि अगर आप लगातार जो पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहेंगे, टेस्ट देते रहेंगे, तो आपको मैथ और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए फिर ये टेस्ट का डिस्कशन ये तक, अगर यहाँ तक आपने डिस्कशन देख लिया है तो फिर आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए फिर, ठीक है। फिर चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं जी नेक्स्ट टेस्ट में, टिल देन प्लीज टेक केयर।